लावा युवा 3 प्रो फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 9,000 रुपए में आने वाला इस लावा के फोन के अंदर आपको 8GB का DDR4X रैम मिल जाता है, 128GB की UFS 2.1 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, एक ब्यूटीफुल ग्लास बैक पैनल मिल जाता है, सामने के साइड में एक ब्यूटीफुल पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। इतना ही नहीं, 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो चलिए पता करते हैं लावा युवा 3 प्रो कैसा है। वेल, बॉक्स के अंदर आपको लावा युवा 3 प्रो के अलावा यहाँ पे आपको सिलिकॉन केस कवर मिल जाता है, इसके अलावा 18 वॉट का चार्जर मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही, साथ में USB टाइप सी केबल भी मिल जाती है। फोन को जब मैंने अनबॉक्स किया तो एक चीज ने मुझे लिटरली सरप्राइज कर दिया। लावा का ये फोन 9,000 रुपए में आता है और यहाँ पे कंपनी ने सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन दिया है। नॉर्मली इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज भी सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन हटा देती है। वैसे यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम स्लॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले लुक्स और डिजाइन की बात करते हैं। ये फोन 9,000 रुपए में मिल जाता है और ये फोन 9,000 रुपए के हिसाब से लुक्स में काफी प्रीमियम लगता है। इनफैक्ट इसे आप हैंड में भी होल्ड करते हो तो ये काफी स्टर्डी लगता है, कहीं पे भी चीपनेस की फीलिंग नहीं आती। बैक साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास बैक पैनल यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाले इश्यूज होते हैं ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कैमरा मॉड्यूल की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करती है। यस, बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको कर्व्ड एजेस भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग फोन को इस तरीके से हैंड पे भी रखते हो तो भी लंबे टाइम तक आपको हैंड पे चुभता नहीं है। इनफैक्ट फ्रंट साइड से भी यहाँ पे आपको एक पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन वैसे भी प्रीमियम फील होता है। वेल, बेजल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको नॉमिनल से बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। इतने ज़्यादा मोटे भी नहीं है, इतने ज़्यादा थिन भी नहीं है, नॉर्मल टाइप के मिल जाते हैं। यस, हल्की सी चीन आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है ये काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का एक हैंडी HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद पंच होल डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी यूज़ की गई है, ये एक IPS पैनल है, जिसकी वजह से साइड व्यूइंग एंगल भी अच्छा है। साइड से देखने के बाद भी यहाँ पे कलर्स फेड आउट वाली प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती, प्लस ब्राइटनेस भी इजीली मेंटेन रहती है एक्सट्रीम कॉर्नर से भी। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि ओवरऑल थोड़ा सा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग बैटरी बचाना चाहते हो तो इसे 60Hz पे भी रख सकते हो। लावा युवा 3 प्रो 9,000 रुपए के हिसाब से एक डिसेंट प्रोसेसर के साथ में आता है। यहाँ पे आपको यूनी SoC का T616 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आप लोग कंपेयर कर सकते हो MediaTek के G85 प्रोसेसर के साथ में। Cortex A76, Cortex A55 बेस्ड कोर्स मिल जाते हैं। Antutu स्कोर की बात करें तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा Antutu स्कोर मिल जाता है at 2,90,000। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये प्रोसेसर आपके गेम प्ले को आराम से हैंडल कर लेता है। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले करके देखी, वहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर आपको लो और मीडियम के ऑप्शंस मिल जाते हैं और मीडियम के अंदर भी आपको हाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गेम प्ले करते वक्त गेम प्ले आराम से हो जाता है, आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती। हाँ, प्राइस के हिसाब से ऑब्वियसली आपको 15,000-25,000 रुपए वाला एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस निकल के आती है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। ओवरऑल गेम प्ले आराम से हो जाता है और हल्का फुल्का यहाँ पे आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। लावा युवा 3 प्रो के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, हालांकि एक ही काम का कैमरा है, 50MP का मेन कैमरा। इसके अलावा जो दूसरा कैमरा है वो एक टाइप का AI लेंस ही है। इसका जो मेन कैमरा है वो अच्छी फोटोज डे लाइट के अंदर क्लिक कर लेता है। डे टाइम में इसका मेन कैमरा प्राइस के हिसाब से अच्छी ब्राइट फोटोज क्लिक कर लेता है। इस फोटो के अंदर आप लोग डायनामिक रेंज देख सकते हो, यहाँ पे HDR अच्छे से काम कर रहा है। स्काई के कलर्स और डंडे के पीछे वाला जो एरिया होता है ना, उससे भी इसने क्लियर कैप्चर किया है। यस, कलर्स ये थोड़े से ब्राइट पिक कर लेता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी फोटोज यहाँ पे आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है। बुके मोड के अंदर बैकग्राउंड ब्लर ये अच्छा कर लेता है। इनफैक्ट इसका मेन कैमरे के अंदर एज डिटेक्शन भी अच्छा देखने को मिल जाता है। यस, नाइट फोटो के अंदर कुछ ओकेशंस में ये अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है, लेकिन थोड़ा भी अगर आप लोग हैंड को मूवमेंट देते हो तो वहाँ पे ब्लर फोटो आने के चांसेस भी होते हैं। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे आपको नॉइज भी देखने को मिल जाता है। सेल्फी के अंदर, इस फोन के अंदर आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब ये जो सेल्फी कैमरा है ये स्किन टोन अच्छी क्लिक कर लेता है, इवन HDR भी
पीछे की जो ब्राइट लाइट है उसे अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। मुझे याद है लावा के जो पहले वाले फोन थे उनके अंदर सेल्फी कैमरे में HDR में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, लेकिन फीडबैक के बाद में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट फोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सेल्फी कैमरे के अंदर जब आप लोग बुके मोड में फोटो क्लिक करते हो तो वहां पे अगर बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा लाइट है तो इसका HDR उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और सेकंड चीज, एज डिटेक्शन वैसे इसका ठीक है किसी किसी ओकेशन में, लेकिन अगर बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो एज डिटेक्शन में ये फेल हो सकता है। वैसे बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो स्मार्टफोन डिसेंट वेट के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है और बॉक्स के अंदर ही चार्जर मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो टैप किया अनलॉक हो गया, टच किया अनलॉक हो गया, टच किया अनलॉक हो गया, तो साइड फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे फेस अनलॉकिंग फीचर भी मिल जाता है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये बटन दबाया अनलॉक किया, बटन दबाया अनलॉक किया, बटन दबाया अनलॉक किया। लावा के फोन के अंदर एक चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी और वो है अननेसेसरी ब्लोटवेयर्स और एड्स। एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स में ही कंपनी ने लिखवा दिया है कि एंड्रॉयड 14 को अपग्रेडेबल है। इन शॉर्ट स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 14 भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर फीचर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो बिना सामने वाले को पता हुए तो वो भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग के टाइम पे आवाज़ नहीं आती। और सेकंड, यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, यूट्यूब को आप लोग बैकग्राउंड में स्ट्रीम कर सकते हो। तो इस टाइप के कुछ कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स लावा धीरे धीरे ऐड कर रहा है अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो ये है लावा यूआर 3 प्रो 8999 रुपीज में, आपको एक बहुत ही प्रीमियम डिजाइन, प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता ही है। साथ में 8GB का रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये एक 4G स्मार्टफोन है, तो अगर आपका 9000 रुपये का बजट है, 4G इज गुड टू गो। अगर बजट थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो तो 10000-11000 रुपये में आप लोग 5G फोन भी चेकआउट कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको लावा यूआर 3 प्रो स्मार्टफोन हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा लावा स्ट्रॉन्ग 5G स्मार्टफोन भी अंडर 15,000 21 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। एक टाइप का तूफान लेके आने वाला है ये स्मार्टफोन। उसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप लोग ये वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।